खबर धनबाद से है। शहादत स्थल पर भाषण देने से नहीं, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लें। शहीद के राह पर चलने से ही झारखंड की गौरवान्वित करें। उक्त बातें शहीद शक्तिनाथ महतो के शक्ति चौक स्थित आदमगढ़ प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण के बाद अपने संबोधन में जिला परिषद के अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा। श्रीमती सिंह ने कहा कि आज अपने संबोधन में जिला परिषद के अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को संकल्प लेने की आवश्यकता है, तभी हमारा झारखंड राज्य का विकास चहुमुखी होगा और देश दुनिया के पटल पर राजनायक नाम रोशन होगा। आजाद सिजुआ स्थित शहादत स्थल व शहीद शक्तिनाथ महतो के शक्ति चौक तेतुल मारी में शहीद के आदमकद प्रतिमा को पुत्री अंजना देवी पुत्र मनोज कुमार महतो ने गंगा जल व दूध से प्रतिमा को स्नान कराकर माल्यार्पण किया व लाल हरा मैत्री ध्वजारोहण किया। टूंडी विधायक सह सत्तारूढ़ दल के सचेतक मथुरा प्रसाद महतो व अन्य 9 दिवसीय शक्ति मेले का उद्घाटन किया गया। शक्ति चौक व आचार सीजुआ में माल्यार्पण करने वालों में जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, जीप सदस्य उषा देवी, आशा देवी, युधेश्वर प्रसाद सिंह, लखन प्रमाणिक, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश टुडू, जिला सचिव पवन महतो, प्रखंड अध्यक्ष अजमूल अंसारी, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रति लाल टुडू, हंजला बिन हक मोहम्मद, ईशरफिल उर्फ लाला, अंजना देवी, जितेश रजवार, मुखिया दे रिंकू महतो इत्यादि लोगों ने माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित की। जिन्होंने झारखंडवासी को, ग्रामवासी को एक जीने का माध्यम बनाया है और लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक करना हो, अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए जागरूक करना हो, मजदूर के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया, मजदूर के हक के लिए लड़ाई लड़ी और इनका अपने जितने भी जीवन काल में इन्होंने समय दिया, झारखंड को एक नई दिशा निर्देश दिया, एक संदेश दिया कि अपने अधिकार को लड़ना है, ग्रामवासी भी अपने जीवन को उसी तरह जिए जो उनका अधिकार है उसे पूरी तरह से लें। हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया। ये भी कहना कम नहीं रहेगा कि शहीद शक्तिनाथ महतो जी का तुलना हम बिरसा मुंडा जी से भी कर सकते हैं। उन्होंने भी झारखंड की लड़ाई की, इन्होंने झारखंड के लिए ही लड़ाई की, इन्होंने इनके मन में महिलाओं को लेकर के एक बहुत सम्मान था जो ऐसे झलकता है। इन्होंने कुंडी की महिलाओं को आउटसोर्सिंग में जो खदान के अंदर जाती थी उन्हें बंद कराने वाले यही थे, इससे इनका सम्मान दिखता है कि महिलाओं के लिए इनकी क्या सोच है। ये हमारे बीच बहुत ही ऐसे नेता थे जो हमारे बीच नहीं रहे, हर नेता को नेतागिरी उन्हें वो दिखाया, जिनके विरोध आज छोटे नेता हैं उन्हीं के विरोध हैं, हम पूरे देश से सम्मान चाहते हैं। यही संदेश देना चाहते हैं कि उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर हम लोग को शोषण मुक्त झारखंड का निर्माण करना होगा, इसके लिए युवाओं को आगे आना होगा, सब लोग मिलजुल कर लड़ के फिर से एक बार शोषण मुक्त झारखंड का निर्माण करना होगा। क्या बोलिए और सबसे पहले शहीद शक्तिनाथ महतो जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज पूरा राज्य उनका श्रद्धांजलि सभा मना रहा है। शक्तिनाथ महतो जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज वे हमेशा गैर बराबरी, सुदखोरी, क्षेत्र में व्याप्त हर समस्या के लिए लड़े, ऊंच-नीच के लिए लड़े और समतामूलक समाज की स्थापना करने के अग्रिम नेता के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले इनके आए हुए हैं, सबसे पहले नमन करते हैं और इनके पूरे परिवार को नमन करते हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को पैदा किए। आज उनकी जो बलिदान है ये कहीं न कहीं अधूरा रह गया। आज नौजवानों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जिस के कारण ये बलिदान दिए आज कहीं न कहीं नौजवान अपने रास्ते पर भटक गए हैं और नौजवान दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं। हम आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि इनके दिशा जिस तरह से था, इनके जिसे हमारे राजेश जी जो बताएं कि सुदखोरी के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया, आज वही दिशा में लोग जा रहे हैं। आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, लंबी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि झारखंड का जो वर्तमान स्थिति है बहुत ही दयनीय है
और पूरा नौजवान साथी, जितने नौजवान साथी एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए हम आप लोग के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने भविष्य के लेके आप अपने सक्षम के तरीका से हथियार जो आगे था तीर धनुष, और आगे लोग तीर धनुष या बल्ला तलवार से हथियार के अपने लड़ाई लड़ते थे, आज के डेट में कलम का हथियार बनाना चाहिए और कलम के आगे जोड़ना चाहिए। नौजवान, जितने नौजवान विद्यार्थी जो भी हैं, उनको हम आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि अपने शिक्षा की ओर आगे बढ़ें और अपना उज्जवल भविष्य के लिए ध्यान दें।